गुड मॉर्निंग बच्चों, बच्चों सब ठीक हैं? देखिए, हमने जो आपको इससे पहले है ये चैप्टर 14 मित्र को पत्र एक्सप्लेन किया था। मैंने मित्र के पत्र में आपको यह बताया था कि अनिकेत ने अपने मित्र अंकित जो है अपने जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र भेजा था। उसका जन्मदिन था तो उसने उनके माता पिता को, उनकी बहन सोनम को और जो है अंकित को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। तो आज हम देखो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने आपको शब्दार्थ दे दिए थे, आज क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो मौखिक प्रश्न पहला, ये जो प्रश्न उत्तर है ये मैं आपको क वाला करा रही हूँ। क्या ये क क में पहला प्रश्न बन रहा है कि अनिकेत के मित्र का नाम बताइए। बच्चों अनिकेत के मित्र का नाम क्या था? अंकित। अनिकेत के मित्र का नाम क्या था? अंकित। तो प्रश्न में लिखो, ये लिखोगे ये कै वाले का, मैं आंसर लिख रही हूँ बच्चों पहला, ठीक है? अंकित क्या लिखोगे? अंकित। अनिकेत के मित्र का क्या नाम था? अंकित। अच्छा, दूसरा है अंकित की बहन का नाम बताइए। अंकित की बहन का नाम क्या था बच्चों? सोनम। क्या नाम था? सोनम, ठीक है। फिर है अंकित के पिताजी व्यापार के सिलसिले में कहाँ जाने वाले थे? कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, है ना? कहाँ जाने वाले थे? कोलकाता। अब मैंने आपको ये तीन आंसर बता दिए, वापस से सुनो। पहला प्रश्न है अनिकेत के मित्र का नाम बताइए, तो अनिकेत के मित्र का नाम अंकित था। क्या था? अंकित। दूसरा है अनिकेत की बहन का नाम बताइए, सोनम। फिर है अंकित के पिताजी व्यापार के सिलसिले में कहाँ जाने वाले थे? कहाँ जाने वाले हैं? कोलकाता, ठीक है। अब जो है ये खै वाले हो गए, अब मैं आपको खै वाले बताती हूँ। देखो खै वाले हैं, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है अंकित ने कहाँ से किसको पत्र लिखा? अंकित ने कहाँ से किसको पत्र लिखा? तो मैं ये आपके व्हाट्सएप नंबर पर आंसर सेंड करूँगी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सुनिए कि अंकित ने आज़ाद नगर कानपुर से अपने मित्र अनिकेत को पत्र लिखा। देखो यहाँ लिखा है अंकित ने आज़ाद नगर कानपुर से अपने मित्र अनिकेत को पत्र लिखा। दूसरा प्रश्न है अंकित ने किस बात के लिए अनिकेत का धन्यवाद किया? अंकित ने किस बात के लिए अनिकेत का धन्यवाद किया? तो बच्चों अंकित ने, जब अनिकेत ने अंकित को अपने जन्मदिन पर जो है निमंत्रण पत्र भेजा, तो उसने उसे इस बात का धन्यवाद किया कि जो है आपने इस अवसर पर हमें याद किया और हमें निमंत्रण पत्र भेजा, इसके लिए वह उसको धन्यवाद देते हैं। एक प्रश्न है अंकित ने अनिकेत के जन्मदिन पर जाने में क्यों असमर्थता प्रकट की? अंकित ने अनिकेत के जन्मदिन पर जाने में यह इसलिए असमर्थता प्रकट की क्योंकि उसने कहा कि उस दिन जो है मेरा स्कूल में वार्षिक उत्सव है और उस रंगारंग कार्यक्रम में मैंने भी भाग लिया है तथा पिताजी कार्यक्रम में यानी व्यापार के सिलसिले में कोलकाता जा रहे हैं, इस कारण जो है उसने कहा कि मैं और पिताजी नहीं आ सकते। अनिकेत के घर कौन सा कार्यक्रम है? बच्चों क्या था अनिकेत के घर? तो अनिकेत के घर अनिकेत का जन्मदिन का कार्यक्रम है। अनिकेत के घर अनिकेत के जन्मदिन का कार्यक्रम है, ठीक है। अब एक प्रश्न बन रहा है, हाँ या नहीं लिखकर उत्तर दीजिए। खै वाले मैंने आपको यहाँ लिख दिए, खै वाले मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी आंसर और क्वेश्चन भी। अब गै वाला है, गै वाले में हाँ या नहीं लिखकर उत्तर दीजिए। तो प्रश्न पहला बन रहा है अनिकेत ने अंकित को पत्र लिखा,
तो हाँ ये देखिए मैं गह वाला लिख रही हूँ, ठीक है। गह का पहला इसमें आएगा हाँ, क्या आएगा बच्चों? हाँ। दूसरा है एनिकेत के जन्मदिन पर संगीत और खेलकूद 6 बजे से होना है, हाँ उन्होंने कहा 6 बजे से शुरू होना है, तो दूसरे में भी हाँ, ठीक है बच्चों। फिर है अंकित की बहन भेंट लेकर नहीं जाएगी, ये गलत नहीं, ये क्या है, ये वाक्य तो सही है, और अंकित बहन भेंट लेकर नहीं जाएगी तो ये वाक्य क्या है, गलत है। ये वाक्य कैसा है, गलत। अंकित की बहन भेंट लेकर नहीं जाएगी, तो ये सही है या गलत? तो ये गलत है, तो इसमें लिखेंगे नहीं। अंकित को अनिकेत का निमंत्रण पत्र जन्मदिन के बाद मिला, ये भी नहीं, नहीं पहले मिल गया था ना बच्चों, ये ठीक है। अब एक बार फिर बोल देती हूँ, अनिकेत ने अंकित को पत्र लिखा, हाँ। अनिकेत के जन्मदिन पर संगीत और खेलकूद 6 बजे से होना था, हाँ। अंकित बहन भेंट लेकर नहीं जाएगी, नहीं ये गलत है। अंकित को अनिकेत का निमंत्रण पत्र जन्मदिन के बाद मिला, नहीं, ठीक है। अब जो है अब एक आपका गह वाला बन रहा है, इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, हमको जो ऑप्शन सही है उस पर राइट लगाना है, तो आप देखिए सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। एक प्रश्न बन रहा है, अंकित अपने मित्र के जन्मदिन में किसे भेजेगा, अंकित अपने मित्र के जन्मदिन में किसे भेजेगा, माँ बहन, माँ पापा, पापा बहन, माँ बहन, तो ये पहले वाला आएगा सही, माँ बहन। उसने कहा था ना पापा तो कोलकाता जा रहे हैं और मेरा रंगारंग कार्यक्रम है वार्षिक उत्सव का, तो इसलिए माँ और बहन, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, अनिकेत का जन्मदिन कब है, 17 जुलाई, 15 जून या 13 अगस्त, इसमें आएगा 13 अगस्त, कब है बच्चों, 13 अगस्त को उसने बताया था ना मेरा जन्मदिन 13 अगस्त को है, तो कब है बच्चों, 13 अगस्त, तो 13 अगस्त पे राइट लगाइए, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये आगे क्या, ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको कॉपी में क्या क्या करना है ध्यान से सुनो, ये एक तो कह वाला कॉपी में करना है और खै वाले जो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजूंगी वो वाले कॉपी में करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको गह वाला और ये पीछे घ वाला, गह और घ वाला है ना, वो कहाँ करना है, एक तो ये वाला और एक देखो ये और ये काम करने हैं बुक में। ये तो बुक में कर लेना, और जो क और ख के प्रश्न उत्तर है ये आप कहाँ करोगे बच्चों, कॉपी में, ठीक है। तो ये कॉपी में कर लेना, ये बुक में। और इसके बाद जो है बच्चों मैंने आपको जो है कितने चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए, 14, ठीक है। अब मैं आपको व्याकरण में भी मैंने काफ़ी सारा करवा दिया है, अब हम जो है एक बार रिवीजन भी लेंगे, इसलिए आप इसके सारे प्रश्न उत्तर पार्ट 14 तक चैप्टर नंबर 1-14 तक आपके सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में होने चाहिए, और कॉपी को लेके आप एवरी मंडे, आपको बता रखा है स्कूल में लेके आओ। मान लीजिए कभी मंडे को कोई कारणवश हम स्कूल नहीं आ सकते कॉपी लेकर, तो आप ट्यूसडे को भी लाकर चेक करा सकते हो, ठीक है बच्चों। लेकिन आप कॉपी ज़रूर चेक करवाएं ताकि जो आपका वर्क बहुत ज़्यादा ना हो जाए, जितना भी एक वीक में होता है ना, मंडे से लेके हम जो है फ्राइडे तक जितना भी वर्क करते हैं वो सारा का सारा हमें वापस मंडे को लेकर आना है, ठीक है। तो आप जो है अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई करो। आपके व्हाट्सएप पर हमने दे रखा है कि आपका जो है अगस्त की 2nd वीक में होगा, तो आप अच्छे तैयारी करो, ठीक है।
प्रत्येक चैप्टर को जो है उसको एक एक लाइन पढ़ो, हर लाइन का जो आपका उत्तर स्वयं निकलता जाएगा, प्रश्न भी बनेगा और उत्तर भी निकलेगा। तो ठीक है, घर में सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।